सोचा तुम सबने सोचना क्या है भाई अब्बा, पुलिस बुलाओ और गिरफ्तार करवाओ इसे। ये इसे नहीं मानेगा। चुप हो जा, तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। ले भाई सुन लो इनकी बातें, ये मुझे गिरफ्तार करवाएंगे। एक देवरात भी हमारे गायब हुए, गिरफ्तार भी हमें करवा रहे हैं। चुप क्यों है, करता क्यों नहीं है कुछ? ये पजामे, अगर तुझसे गलती हुई है मनोज तो बोल देना कुछ वक्त दे। ये सच है उस्ताद, ये सारी चोरियां वगैरह ये मैंने ही की हैं। शादाबाजी के जेवर और तेरे कमरे से जो 5 लाख रुपए हैं वो मैंने चोरी किए उस्ताद। क्या बकवास कर रहा है तू? देखा देखा, मैं नहीं कहता ना यही चोर है, मगर इस घर में दामाद के सुनता कौन है? सब दामाद को उल्लू का उल्लू समझते हैं भाई। क्यों किया तूने ये सब? लालच में पड़ गया था उस्ताद, लालच में। मैं सोचता था कि जब तुम सब लोग अमीर हो गए तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता पैसे वाला। बस एक दोस्त की तरफ मैंने जुआ खेला, पहला जुआ तो मैं जीता, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हारना शुरू हुआ कि उधार और कर्जा सर पे चढ़ना शुरू हो गया। तो बस वो उधार और कर्जा उतारने के लिए मैंने ये सारी चोरियां की उस्ताद। अरे कमबख्त, मेरा जेवर कहाँ है, वापस कर। जुए में सारे जेवर हार गया तेरा, मैं सत्य दोस्त 10 साल का तू थू जब मैंने तुझे पाला, तेरा ख्याल किया और तूने क्या किया? तूने तुझे जरा भी शर्म ना? दबा जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। ऐसे कैसे जाने दूं? हमारे जेवरात गायब हुए भाई, ला दे जेवरात, मुझे मरना तेरे। तुझे जेवर मिल जाएंगे मैं बना के दूंगा। उस्ताद शादाबाजी के जेवरात अब भी मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूं। झूठ बोल रहा है ये। ये चोर नहीं है, ये सारी चोरियां मैंने की थी और मुझे बचाने के चक्कर में ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। क्या बकवास करी जा रही है तू? क्या बकवास करी जा रही है? मैं सच कह रही हूँ अम्मा, वो ये सारी चोरियां ना मैंने वकार और रूफी के कहने पे की थी। महल में टहलते वो ना उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और पता नहीं दोस्ती कब मुलाकातों पे पहुंच गई। फिर ना मैंने ये सब कुछ किया, इस आसिफ पजामे को सब कुछ पता चल गया, इसने ना मुझे वकार और फूफी की सारी असलियत बताई। अम्मा वो सिर्फ शादीशुदा नहीं था, उसके 2 बच्चे भी थे। अभी अभी मैं उसके घर से आ रही हूँ, वो ना मेरे पैरों पे पड़ के मुझसे माफिया मांग रहा था कि खुदा के वास्ते मेरी बीवी और बच्चों को कुछ ना बताना, और उसने 5 लाख भी वापस कर दिए हैं। अब्बा ये 5 लाख, मैं और ये घर आज सिर्फ आसिफ पजामा की वजह से बचे। बेगरत, अरे तू डूब कर मर क्यों नहीं गई? जिंदा गाड़ दूं मैं इसे। तू क्या कह रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। अब्बा ये सब छोड़ो, अब इससे हमारे जेवर भी मंगवाओ। तुम्हें तो तुम्हारे 5 लाख मिल गए ना, हमारा हिसाब भी क्लियर करो। सुनाए भाई थोड़ा सब्र लो, जेवर के भाग नहीं रही है, वापस आ जाएंगे।